हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो इस हमारी जावा 42 में दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग की, उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ये कंपनी में रही थी 3-4 दिन, तो हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताएंगे कि इसके इंजन में दिक्कत थी या इसके फ्यूल इंजेक्टर में दिक्कत थी। उस टाइम हमको पता नहीं था, बट अब हमारी बाइक की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि इसके क्या क्या पार्ट वारंटी में कवर हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पुरानी वीडियो में, इसे हम सर्विस सेंटर पर छोड़ आए थे, बट ये उस दिन ठीक नहीं हुई थी। ये 3-4 दिन सर्विस सेंटर पर खड़ी रही, फिर बाद में एजेंसी वालों को फ़ोन आया कि आपकी बाइक ठीक हो चुकी है, फिर हम इसे लेके घर आ गए। इनकी कमी के कारण और कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। कुछ भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे, वो वीडियो शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहले मैं बात करूं तो इसके अंदर इसकी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सुबह को बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती थी। ये बहुत सेल्फ लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती थी। 22 टाइम ऐसा हो जाता था कि इसका सेल्फ लगाते लगाते बैटरी बिल्कुल डेड हो जाती थी, फिर ये धक्के से स्टार्ट करनी पड़ती थी। और इस बाइक की सर्विस भी तभी होनी थी, इसकी बाइक की सर्विस हुई है और इसका वारंटी एक्सटेंड कराई है मैंने 2 साल। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वारंटी एक्सटेंड कराने के क्या फ़ायदे हैं आपको वारंटी एक्सटेंड आप 2 साल बाइक के कंप्लीट होने से पहले पहले ही कराएंगे, तभी वारंटी एक्सटेंड होगी। बट अगर एक भी दिन आप लेट हो गए तो इसकी वारंटी एक्सटेंड नहीं होती है। और मैं इसका 0 डेप्ट इंश्योरेंस भी कराया था, वो आपको दिखाऊंगा कि इसकी कितनी कॉस्टिंग आई है। इस बाइक गए थे 17 नवंबर को और तभी मैंने इसकी वारंटी एक्सटेंड कराई, वो भी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा कि इसमें कितना खर्चा आया वारंटी एक्सटेंड कराने में। और इसका मैंने 0 टाइप इंश्योरेंस कराया और इसकी सर्विस कराई। 3 चीज़ें इसमें होनी थी और इसकी एक प्रॉब्लम थी स्टार्टिंग की। सबसे पहले इसकी वारंटी की बात करते हैं, तो वारंटी कराने का ये फ़ायदा है, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होगी। अगर इस इंजन में कोई भी दिक्कत आएगी, रबड़ छोड़ के और इलेक्ट्रिकल पार्ट छोड़ के, फ्यूज छोड़ के और जो रबड़ पार्ट होते हैं, जैसे टोटल केबिल हो गया या वायर क्लिच वायर हो गया, इनसे अलग कोई भी दिक्कत होगी या इसके सील जो होती हैं उन्हें छोड़ के इंजन में कोई भी दिक्कत आएगी, क्रैंक की और टाइमिंग चेन की, या कोई अंदर इसकी सेल्फ ग्राई डलेगी या कोई भी इंजन में फॉल्ट होगा, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होगा। वरना इसकी अगर आप आउट ऑफ वारंटी हो जाएगी तो इसकी बहुत कॉस्टिंग होती है। तो मैंने इसकी 2 साल वारंटी एक्सटेंड करा दी है। अब 2 साल के अंदर अंदर अगर मेरी बाइक में कोई भी फॉल्ट होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देगी कंपनी। और मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या वारंटी में कवर होगा। इसका टैंक, साइड पैनल, इसके पिछले ड्रम हो गए, टायर नहीं होगा बिकॉज टायर रबड़ का पार्ट है, और इसके साइलेंसर, शोकर, लाइट, मीटर, स्पीडोमीटर जो होता है, अगले ड्रम डिस्क, मतलब सभी कुछ इसमें वारंटी में कवर होता है। इसकी वारंटी में क्या क्या कवर नहीं होता है मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके कोई भी केबल कवर नहीं होगा, कोई भी इसमें फ्यूज़ कवर नहीं होगा, और कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट या रबड़ का पार्ट जैसे टायर हो गए, ये कोई भी कवर नहीं होगा वारंटी में। सीट हो गई या चैन स्पॉकेट हो गया, चैन हो गई, ये कोई भी वारंटी में कवर नहीं होगा। इससे अलग कोई भी दिक्कत आती है 2 साल तक तो इसमें वारंटी के अंदर कवर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आपको ठीक करके देगी। तो वारंटी कराने का बहुत फ़ायदा है। मेरी समथिंग 3100 रुपये की इसकी वारंटी 2 साल की एक्सटेंड हो गई है। तो वारंटी का मैंने आपको बताया, वारंटी ज़रूर करानी चाहिए बिकॉज बाइक के पार्ट बहुत महंगे हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपकी वारंटी में है गाड़ी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो के देगी। और फिर 0 डेप्ट का इंश्योरेंस कराया तो करा के रखना चाहिए बिकॉज इतनी पुरानी गाड़ी नहीं हुई है। अब आते हैं हम इसकी मेन दिक्कत पर, इसकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम पर। पहले मैं आपको इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ पहले सेल्फ पर। ये आपको मैंने इससे कल और इससे एक पहले की वीडियो बनाई हुई है, पहले आप उस वीडियो को देखिए भाई। इसे हमें आज की मॉर्निंग भी हम इसे स्टार्ट करके देखेंगे, फर्स्ट सेल पे स्टार्ट होगी नहीं होगी। ये आज पहली टाइम ही स्टार्ट होगी, इसे न्यूट्रल कर लेते हैं पहले। ये इधर क्लिच दाब के एक क्लिच स्विच ऑन है, ये देखिए, थोड़ा कैमरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए भाई, आज ही पहले सेल पे स्टार्ट होगी। हेलो गाइस, वेलकम। ये एक और का दिन है, दूसरा दिन। एक दिन हमने पहले स्टार्ट करके देखी थी, आज फिर से देखेंगे स्टार्ट करके। आज धूप थोड़ा जल्दी निकल गई है,
ये किल स्विच ऑन, क्लिच प्रेस करके पहले दिन की है और मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये न्यूट्रल करता हूँ मैं इसे। ये दिन में आज भी पहली बार स्टार्ट हो रही है, आज तो धूप निकल गई है पर फिर भी पहले स्टार्ट नहीं होती थी। ये देखिए न्यूट्रल है, ये देखिए पहले ही सेल पे स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपने देखा अब तो ये पहले सेल पे स्टार्ट हो रही है। तो मैं इसके अंदर आपको ख़र्चा बताता हूँ। सबसे पहले कि इसकी सर्विसिंग में कितना खर्चा आया, सर्विस जो जॉब कार्ड बना था उसी के अंदर इसमें कुछ चीज़ें डली हुई हैं, वो ही मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। आई थिंक 2800 रुपये खर्चा आया है, 2800 रुपये में इसकी सर्विस भी हुई है, ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज जो भी होता है नॉर्मल सर्विस में 18000 वाली हुई है, फ्री वाली निकल गई है। पहली पेड सर्विस थी मेरी, जो इसका पेड चार्ज 500 रुपये लेते हैं लेबर चार्ज। तो मैं आपको इसकी मेन प्रॉब्लम का रिजोल्व बताता हूँ कि किस तरीके से रिजोल्व हुई है, तो कोई भाई परेशान ना हो, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके इंजन के हेड के अंदर चार रबड़ होती हैं जो प्रेशर क्रिएट करती हैं। तो सुबह के टाइम जब हम पहली बार बाइक स्टार्ट करते हैं तो वो रबड़ के छल्ले थे वो थोड़े ढीले हो गए थे चारों छल्ले, तो जिनकी वजह से प्रेशर नहीं बन पाता था। और एक बार जब इसे सुबह स्टार्ट कर लेते थे तो वो गर्म होके ठीक फिक्स हो जाते थे, फिर पूरे दिन कोई दिक्कत नहीं करती थे। और अगर आप वो यही दिक्कत है बस आपको सर्विसिंग नहीं करानी है तो उन छल्लों की कॉस्ट है 70 रुपीज़ ओनली, मतलब 70 रुपये का खर्चा है जिसकी वजह से इतनी दिक्कत होती है। तो वो मेरे छल्ले रबड़ वाले वो बदले गए, बिकॉज रबड़ का पार्ट है वारंटी में कवर नहीं हुआ। बाकी उन्होंने पहले थ्रोटल केबल भी ये सब चेक करा, थ्रोटल बॉडी डाल के देखी, उनके हाथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी थी। फिर बाद में उन्होंने बाइक वहीं पे छोड़ दी, मैंने छोड़ दी वहीं पर, उन्होंने छुड़वाई, फिर उन्होंने बताया कि इसमें वो दिक्कत थी। तो भाई कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है तो आप देख सकते हैं कि उसमें वो रबड़ के, आप एजेंसी पर जाके बता सकते हैं कि उसमें रबड़ के छल्ले होते हैं तो उनमें दिक्कत थी, वो थोड़े लूज़ हो गए थे जिसकी वजह से सुबह को स्टार्ट नहीं होती थी, वो प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाता था। बट अगर हम धक्के से करते थे तो वो प्रेशर क्रिएट होकर स्टार्ट हो जाती थी, फिर पूरे दिन वो छल्ले गर्म होकर चिपक जाते थे, फिक्स हो जाते थे, फिर उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, फिर ईजिली स्टार्ट हो जाती थी। और अगर आपकी बाइक ऐसा है कि सुबह को लंबा सेल्फ ले रही है तो वो बैटरी का इशू हो सकता है, क्योंकि 2 साल से पहले इसकी बैटरी हमें नहीं डलवानी पड़ती है। मेरी तो 2 साल हो गए, मेरी तो अभी नहीं चेंज हुई है, बट कंपनी वाले ने पहले बोला कि आपकी वारंटी में, मतलब आपकी बैटरी में दिक्कत है तो बैटरी की वजह है, फिर उन्होंने नई बैटरी डाल के स्टार्ट किया पर स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वो रबड़ के छल्लों की वजह से ही इसमें सारी दिक्कत थी। अब उन्होंने छल्ले चेंज किए और 2-3 चीज़ें और इसमें चेंज की हैं जो मेरी वारंटी में हुई हैं। तो इसमें मैक्सिमम 200-300 रुपये खर्चा आया है जो स्टार्टिंग वाली प्रॉब्लम थी, अब ये बाइक बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और हाँ आपको एक बात और बताऊं, जैसे इसमें इशू रहता है कि इसका लैमडा सेंसर जो होता है वो मैक्सिमम टाइम जल जाता है, तो अगर आपकी वारंटी में है बाइक तो वो भी सारे सेंसर फ्री ऑफ कॉस्ट डलेंगे, चाहे इसका फ्यूल गेज का हो या इसका लैमडा सेंसर होता है और बहुत सारे सेंसर होते हैं, ये सेंसर है इसमें, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट डलेंगे अगर आपकी वारंटी है। तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिनकी बाइक अभी 2 साल से पुरानी नहीं हुई है या वारंटी ख़त्म होने वाली है तो वो 2 साल की वारंटी ज़रूर एक्सटेंड कराएं। 3100 रुपये समथिंग का खर्चा आएगा बट आपके वो बिल्कुल वर्थ हैं। आपकी बाइक में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक होगी, थोड़े बहुत पैसे जाएंगे जैसे प्लास्टिक पार्ट है, रबड़ पार्ट है उनमें। तो मैंने आपको सब बता दिया। और अगर जिन भाई की बाइक स्टार्ट होने में सुबह ठंड की वजह से दिक्कत करती है तो भाई अपनी बैटरी चेंज कराएं। और अगर हाँ एक दिक्कत और है, अगर आपकी बाइक सुबह को बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होती किसी भी तरीके की, एक दिक्कत मेरे में एक बार पहले आई थी फिर उसके बाद कभी नहीं आई, तो हमारे टैंक में जो फ्यूल इंजेक्टर होता है उसमें जाली होती है जो तेल को क्लीन करके आगे सप्लाई करती है, तो वो जाली बहुत ही पतली होती है। तो भाई आप एक काम करना, इस टैंक को उतरवा के और इसके फ्यूल इंजेक्टर में अंदर जो पंपिंग करता है, पंप होता है, उसमें जाली होती है,
तो उस जाली को क्लीन करवा देना। बिकॉज एक भाई का कमेंट आया कि सुबह को उनकी बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उस जाली में कचरा आ जाता है, जैसे हमारे टैंक में फ्यूल में कभी कोई कचरा होता है, तो भाई उस जाली को क्लीन कराना, आपकी बाइक 100% स्टार्ट होगी। और अगर आपकी बाइक में यही दिक्कत है सुबह की स्टार्टिंग वाली, तो आपके इंजन के हेड में वो चार छल्ले होते हैं रबड़ के, वही दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। पहले मुझे लगा कि मेरे फ्यूल इंजेक्टर में दिक्कत है या बैटरी का इशू है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनी वालों को फिर लेट पता चला, उन्होंने फिर वो छल्ले डाल दिए, वो ठीक हो गए। आपको और कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट आया था कि सर्विस सेंटर हमारे घर से बहुत दूर है, तो भाई आपकी बाइक अगर वारंटी में है तो आप या तो RSA होगा आपके पास, RSA की हेल्प से बाइक वो ले जाएंगे, RSA नहीं है तो भाई एक बार किसी लोकल मिस्त्री से, मतलब ज़्यादा जोर मत लगवाना, ये ज़्यादा खुलवाना मत, वो उनसे कहना अगर वो जानते होंगे कोई बुलेट का मिस्त्री होगा रॉयल एनफील्ड का, तो वो कर देगा। हमने अपने उन भाई से ही कराई थी। इसके फ्यूल पंप में एक जाली होती है, आप जाली क्लीन करवा के स्टार्ट करके देखना, आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसकी सुबह को स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो मान लो कि किसी दिन ऐसा हो बाइक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उस दिक्कत का सोल्यूशन बताया मैंने, बट अगर आपको वही दिक्कत है तो आपको सर्विस सेंटर लेके जानी पड़ेगी। बिकॉज अगर हम इसे बाहर ठीक कराते हैं तो वारंटी वॉइड हो जाती है उसकी। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उसका सॉल्यूशन कमेंट में दूंगा या एक और नई वीडियो बना दूंगा। और कोई भी अगर दिक्कत और लगती हो आपको तो मुझे बताना, मैं नई वीडियो में आपके उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।